रणवीर कपूर की ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल ने बॉक्स ऑफिस के जंगल में आग लगा दी है। रिकॉर्ड्स की तो ऐसी बारिश हो रही है, ना तो जवान सामने टिका है ना पठान, और टाइगर के तो होश फाकता हो गए हैं। यहाँ तक कि टाइगर 300 करोड़ करने के लिए तरस चुकी है, बिकॉज एनिमल ने चारों खाने चित कर दिया है टाइगर को और आने वाली आसपास की फिल्मों को। बहरहाल एनिमल के साथ सुपरस्टारडम की टैग से लैस हो चुके हैं रणवीर कपूर, लेकिन इस मूवी में जो तुरुप का इक्का है वो बॉबी देओल है। करीब 10 मिनट की परफॉर्मेंस के बावजूद वो भी बिना किसी डायलॉग के बात किए बॉबी ने जिस तरीके से मूवी को अपने एनग्रॉस में लिया है, उससे लगता है एक तरह का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। बिकॉज 3 घंटे 27 मिनट की मूवी में बंदा मुश्किल से 10% के पार्ट में है, इसके बावजूद बॉलीवुड में जो क्रेज है, पब्लिक के बीच में डिमांड है, वो बॉबी देओल को सचमुच में लॉर्ड बॉबी बनाती है। इसलिए बॉबी के लिए पूरा देश प्रार्थना करता है, उनके लिए अप्रेजल की बात करता है, उनकी अच्छी फिल्मों के लिए कामयाबी की दुआ मांगता है। सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी देओल परिवार को इतना प्यार मिल रहा है कि बॉबी देओल जगह जगह प्रेस के सामने इमोशनल हो जाते हैं, अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं। बहरहाल मजे की बात है कि बॉबी देओल की जब से मूवी का ट्रेलर आया था तभी से तारीफ हो रही है। पहले सनी देओल ने अपने भाई की तारीफ में दुनिया भर की फोटो अपलोड की, इसके बाद धर्मेंद्र ने टीजर ट्रेलर के टाइम पर बॉबी देओल को प्रमोट किया, कहा कि वो हर रंग में भाता है। इसके बाद ट्रेलर आया तब लोगों ने और तारीफ की, और धर्मेंद्र तो मूवी के रिलीज के बाद भी अपने बेटे के टैलेंट से बहुत ज्यादा फूले नहीं समा रहे हैं। हालांकि कामयाबी का सिलसिला उनके भाई परिवार तक सीमित है, लेकिन बात यहाँ पर अटक जाती है बिकॉज सौतेला परिवार अभी भी साथ में नहीं आया। आपको याद होगा गदर 2 के टाइम पर पूरा सौतेला परिवार सनी के साथ आया था, और कहना चाहिए लक्ष्मी जब घर में पैर रखती हैं तब परिवार में बरकत आती है। जैसे ही सनी देओल की सौतेली बहनों ने गदर 2 के स्क्रीनिंग में पैर रखे तब से मूवी का मोमेंटम चेंज हो गया, और उनकी ही बरकत से शायद सनी देओल को कामयाबी की इस स्टेज पर आने का मौका मिला। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र के बेटे की तारीफ की और गदर 2 को देखने के बाद स्पेशल प्रीव्यू किया, रिव्यू किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि सनी देओल को जो प्यार मिला सौतेली बहनों से, सौतेली माँ से, वो अभी तक एनिमल के मामले में देखा नहीं गया है। हो सकता है गदर 2 की सक्सेस पार्टी में ना तो हेमा को बुलाया गया, ना ही ईसा आहना को, इस बात से हार्ट होकर एनिमल के टाइम पर पूरा परिवार एक साथ नहीं आया। वरना अगर गदर के टाइम में पूरा परिवार एक साथ हो सकता है तब तो एनिमल के टाइम पर पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। हालांकि बॉबी देओल का पूरा परिवार उनके साथ है पूरे एनिमल फोबिया में। जहाँ भी मूवी की स्क्रीनिंग होती है उनकी वाइफ तान्या देओल, बेटा अरमान, सनी का बेटा करण सब एक साथ होते हैं, लेकिन पब्लिक और मीडिया पेपराजी आज भी तलाशती उस विजन को। जहाँ पर जिस तरह सनी के साथ ईसा आना खड़ी थी अपने बच्चों को लेकर, वैसे ही बॉबी देओल के एनिमल की स्क्रीनिंग पे वहाँ भी सौतेला परिवार दिखाई दे, तब जाकर लगे कि हाँ दोनों भाइयों के लिए सौतेली बहनों का, सौतेली माँ का प्यार कायम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट बन जाता है। गदर 2 के ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है ये परिवार फिर से वैसे ना दिखाई दे जैसा हमने सनी के साथ देखा, और बॉबी देओल फिलहाल अपनी कामयाबी के 9 क्लाउड में है। लेकिन बॉबी को ये वक्त याद रखना चाहिए और अपने सौतेले परिवार को इम्प्रेस करना चाहिए, बिकॉज कामयाबी में हर कोई साथ होता है, तभी उसका मजा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।